चलो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, 43rd स्टार्ट करते हैं। 43rd में क्या है? अच्छा 43rd क्वेश्चन, तो बच्चा 43rd क्वेश्चन तो सिंपल सा लग रहा है, बट स्टिल देखते हैं, देखने में आसान लग रहा है। ऐसे मेरे पास क्या है, एक कन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ दे रखी है इसकी कितनी, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके साथ में क्या रखा है हम लोगों ने, कंकेव लेंस रखा हुआ है ऐसे, ठीक है। और इनके बीच का गैप दे रखा है आपको 10, और ऑब्जेक्ट यहां कहीं रखा हुआ है, और इसका गैप यहां से डिस्टेंस दे रखा है 60। रे जा रही है ऐसे बेंड हुई यहां पे, फिर डॉट 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 ऐसे यहां पे, फिर ये यहां पे, फिर ये मीट कर रही है ऐसे यहां पे। और रे जो एक्चुअल में जा रही है वो जा रही है पैरेलल, कैसे जा रही है पैरेलल, तो अपीयर टू मीट कर रही है, अपीयर टू मीट कर रही है यहां पे। और टकराने के बाद जैसे मैं इस रे को लेबल करता हूं, इस रे को लेबल करूं तो ये रे आई ऐसे, और टकराने के बाद कैसे हो गई, पैरेलल हो गई। टकराने के बाद क्या हो गई बच्चा, पैरेलल। तो मुझे पता है कि अगर कोई रे आ रही है और टकराने के बाद पैरेलल हो रही है, इसका मतलब वो कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है, बताया था मैंने आपको। तो ये जो पॉइंट है आपको जो दिख रहा है, ये वाला पॉइंट जो दिख रहा है, ये क्या होगा, फोकस होगा, ठीक है। तो कुछ बंदा लिख रहा है चैट में, 47 भी करा दूंगा बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेता हूं 47 भी। तो ये रे फोकस पे आ रही है। अब पूछा क्या है इन्होंने बच्चा, इन्होंने पूछा क्या है, फोकल लेंथ ऑफ कंकेव लेंस पूछा है। अच्छा इसकी 20 दे रखी है। तो देखो बच्चा, इस लेंस की बात करूं, जो पहला लेंस है इसमें L1 बोल रहा हूं, दूसरा लेंस क्या मेरे पास L2 है। तो L1 ने इमेज कहां बनाई है, L1 ने इमेज बनाई है फोकस पे, किसके फोकस पे, सेकंड लेंस के फोकस पे, सेकंड लेंस यानी L2 के फोकस पे। तो मुझे इसका यू पता है, फर्स्ट लेंस के लिए लगा दूं 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ऐसे अगर मैं इक्वेशन लगा दूं इसके लिए मैं, तो बच्चा क्या होगा मेरे पास, इसका यू तो कितना दे रखा है आपको, यू तो 60 दे रखा है, तो यू की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 60। लेंथ 60 दे रखी है, रे इधर जा रही है, हम अपोजिट आ रहे हैं, तो यू तो माइनस 60 है। फोकल लेंथ क्या दे रखा है, 20। तो और वी मुझे पता है कितना है इसका फोकल लेंथ, वो जो बात बनेगी मेरे पास, पहले इमेज निकाल लेते हैं, इससे वी निकाल लेते हैं, इस इक्वेशन से वी निकाल लेते हैं। तो वी क्या आएगा, इससे 1/v माइनस 1/60 इज इक्वल टू 1/20। इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, क्या आता है वी देखते हैं। तो ये बन गया 1/v प्लस 1/60 इज इक्वल टू 1/20। तो इसे 1/v की वैल्यू क्या आएगी, 1/20 माइनस 1/60, 1200 LCM आ गया, और इधर 60 आ जाएगा, इधर 20 आ जाएगा, तो 40/1200 तो कट गया, तो 30। तो v की वैल्यू क्या आ गई, 30। मतलब इस लेंस के अकॉर्डिंग इमेज कहां बननी चाहिए, 30 पे बननी चाहिए, कहां बननी चाहिए, 30 पे, यहां से 30 की दूरी पे, 10 ये गैप है, 30 की दूरी पे। तो ये कितना बचा, बच्चा 20 बच गया। तो इसकी फोकल लेंथ क्या आ जाएगी मेरे पास, 20 आ गई। लेकिन मुझे पता है कि ये लेंस कौन सा है, कंकेव लेंस है, तो फोकल लेंथ क्या आएगी इसकी, नेगेटिव आएगी, तो वैल्यू क्या आएगी, -20। डाउट नहीं है, कोई बात नहीं, ये समझ में आया बच्चा सबको, 43rd समझ में आ गया।
डाउट किसका था, जिसको डाउट था भाई, आ गया 43rd। मैक आ गया क्या? ठीक है बच्चा, सिंपल काम था, कोई मुश्किल काम नहीं था। मैंने बताया था दो फोकस होते हैं इसमें, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला, बताया था ना, तो ये इधर वाला फोकस है, F1 F2। चलो U पता था, F पता था, V निकाल लिया, और V कहां लाई करना चाहिए? सेकंड के फोकस पे, तभी रे पैरेलल होगी, यही लॉजिक है इसमें और कोई लॉजिक नहीं है। 43 के बाद आपने 46 पूछा, ये और तो नहीं है, नहीं 46 47 46 एंड 47 देख लेता हूं 46 क्या है मेरे पास। चलो 46 दे रखा है आपको, क्या बोला इसने, इमेज इज ऑब्टेन्ड विद अ कन्वेक्स लेंस, एक कन्वेक्स लेंस है मेरे पास, इससे जो इमेज मिली मेरे को वो इमेज मुझे कैसी मिली बच्चा, इरेक्ट मिली, ठीक है ये दे रखा है इसने, और फोर टाइम्स द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट्स लेंथ इज फोर टाइम द लेंथ ऑफ, मतलब उसकी लेंथ दे रखी है, चार गुना इमेज बड़ी है, इमेज चार गुना, फोर टाइम्स है इमेज किसके, ऑब्जेक्ट, उल्टा लिख दिया मैंने, ऑब्जेक्ट के चार गुना लंबी है क्या इमेज, ये दे रखा है, ठीक है जी। और क्या बोल रखा है इन्होंने, फोकल लेंथ दे रखी है 20, फोकल लेंथ दे रखी है 20। अब पूछा है कि यू और वी पूछे, ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस पूछे, ठीक है कर लेते हैं, यू और वी पूछे। अब एक बात बताओ, एम का फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो था मेरे पास, वो लेंस के लिए था वी बाई यू। अब आपको पता है, m अगर मेरे पास नेगेटिव आता था, मान लो m अगर नेगेटिव आता था तो इमेज बनती थी इन्वर्टेड, ठीक है, और अगर m मेरा पॉजिटिव आता था तो कैसी बनती थी, इरेक्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, m मेरा ऑब्जेक्ट कैसा, मेरा इमेज कैसी बनी है, इरेक्ट बनी है। इसका मतलब क्या है, u और v के साइन सेम होंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट मेरा इरेक्ट बन रहा है, m पॉजिटिव आएगा, m पॉजिटिव का पॉसिबल है जब v और u के साइन सेम है। अब दोनों के साइन सेम होंगे और मुझे बोल रखा है कि ऑब्जेक्ट से चार गुना, ऑब्जेक्ट से चार गुना लेंथ है किसकी, इमेज की, तो m को मैं प्लस फोर ले लूं, तो प्लस फोर ले लिया तो वैल्यू क्या आएगी, v बाई यू इज इक्वल टू फोर। हाँ जी, किसने हाथ खड़ा किया, AC0166। हाँ जी बोलो जी, भाई एसी वाला बंदा कौन है ये बता दो भाई, डाउट है तो कुछ, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन में। चलो नहीं बोल रहा तो हम क्या कर सकते हैं, अब क्या करूं, मुझे वी और यू पता लग गया, ठीक है जी, यू और वी निकालने हैं बेसिकली अपने को, तो एफ दे रखा है। हाँ जी, फिर से आप खड़ा किया आपने, एसी बोलो भाई, क्या फंडा क्या आपका लाइफ का, यार मुझे ले रहा बंदा, बाहर निकाल देना मैंने, मुझे लोग सुनो, v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4u आ गई इससे वैल्यू, तो 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f, f दे रखा है 20, v को पुट कर दूं 4u minus u is equal to 1 by 20, तो LCM क्या आ जाएगा मेरे पास, 4u LCM आ जाएगा इसका, तो यहां बन जाएगा मेरे पास 1, यहां बच जाएगा 4, यहां बन जाएगा मेरे पास 1 बाई 20, तो माइनस 3 बाई 4 यू इज इक्वल टू 1 बाई 20, तो माइनस 60 इज इक्वल टू क्या आ गया 4 यू, तो u की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, माइनस 15, u माइनस 15 आ गया, तो v आपका निकल जाएगा मेरे पास माइनस 60, इस इक्वेशन से यू पुट कर दो वी निकल जाए, तो वी मेरा आ जाएगा माइनस 60।
मैक जी आ गया? एक तो यार तुम नाम लिखा करो अपने ना सिंपल, तुम ये IMD क्या लिखते रहते हो, ठीक है जी, ये मत लिखा करो भाई। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका कौन सा बच्चा, 46 के बाद कौन सा था, 47, 47, 50 एंड 51। पढ़ते हैं 47। एक ऑब्जेक्ट है और स्क्रीन है, उनको 90 मीटर अपार्ट है। मान लो ये ऑब्जेक्ट है और ये मेरी स्क्रीन है, इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है कितनी, 90 दे रखी है आप, ठीक है। और क्या बोला इन्होंने, डिटरमाइन द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ लेंस। एफ निकालना है, नेचर निकालना है, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग ऐसे पूछा होगा शायद। नेचर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू क्लियर इमेज, क्लियर इमेज ऑन द स्क्रीन ट्वाइस द ऑब्जेक्ट। अच्छा मतलब क्या है, इमेज जो है वो टू टाइम्स है ऑब्जेक्ट। लेंस रखना है, कैसा रखना है, ऐसा रखना है या ऐसा रखना है पता नहीं हमारे को, ठीक है जी। लेकिन वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इमेज कहां बन रही है, स्क्रीन पे। अगर इमेज स्क्रीन पे बन रही है, इमेज स्क्रीन पे बन रही है, दिस इंप्लाइज कि इमेज कैसी है मेरे पास, रियल है, क्योंकि स्क्रीन पे ही मेरे पास क्या बनती है बच्चा, रियल इमेज बनती है। तो मुझे पता लग गया कि ऑब्जेक्ट तो इधर रखा हुआ है और इमेज इधर है, तो यू और वी के साइन, यू और वी के साइन अपोजिट होंगे इसमें, मानते हो। यू एंड वी हैव अपोजिट साइन, तो m का फॉर्मूला जो मेरे को था क्या, वो था v बाई यू। अगर v और u के साइन अपोजिट है तो m नेगेटिव आएगा, पक्की बात है। और ये दो गुना दे रखा है, इसका मतलब m की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, -2 आ गई। एक तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया मेरे पास, ठीक है, -2 आ गया। तो मैं -2 को क्या लिखूंगा, v बाय यू लिख दूंगा, एक तो इक्वेशन ये बन जाएगी मेरे पास, ठीक है। दूसरा इसने क्या दे रखा है बच्चा, ऑब्जेक्ट और इमेज, ये u है ये v है, तो u प्लस v की वैल्यू कितनी आएगी, u प्लस v की वैल्यू 90 आएगी बच्चा, क्योंकि ऑब्जेक्ट और स्क्रीन की डिस्टेंस क्या दे रखी है बच्चा, 90 दे रखी है मेरे को। तो इसका मतलब क्या है, u प्लस v इज इक्वल टू 90, लेकिन u को नेगेटिव ले लेना, क्योंकि u नेगेटिव है मेरे पास, ये वाला u नेगेटिव लेंगे ना हम लोग, तो नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि लेंथ जोड़ रहे हैं हम लोग, v की लेंथ और u की लेंथ मिला के क्या है, 90 है मेरे पास। इक्वेशन एक तो ये बन गई, ठीक है। दूसरी इक्वेशन जो हमारे बनी है, एम वाली बन गई मेरे पास, ठीक है जी। तो एम वाली इक्वेशन से मैं निकाल लूं, तो यहां से वी की वैल्यू क्या आएगी, -2u आ जाएगी वी की वैल्यू यहां से, ठीक है जी। तो मैं यहां पुट करता हूं -u -2u, वी की वैल्यू बढ़ दी मैंने यहाँ पे, तो इज इक्वल टू क्या आ गया, 90 आ गया मेरे पास। तो -3u इज इक्वल टू 90, तो 3u की वैल्यू क्या आएगी, -30। अब आपको पता है u पता लग गया, अब मैं 1/v -1/u इज इक्वल टू 1/f लगा दूंगा। f मुझे गिवन दे रखेगा, f था ना मेरे को, शायद पता था f निकालना है क्या, हाँ f तो निकालना है। v और u पता लग गई मेरे को, v और u तो पता लग गए, तो ये -30 था और ये रहेगा +60, v आ गया +60, तो v पता है 60, u पता है मेरे को -30, तो f निकल जाएगा। सॉल्व करूं या कर लोगे, ठीक है, 20 आ रहा है क्या, ठीक है 20 आ रहा होगा। चलो अपना हो गया 47 हो गया। अब 50 और 51 पूछ रहे हैं लोग शायद, है ना, 50 और 51।
50 क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस व्हिच इज प्लेस्ड व्हिच व्हेन प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल रियल इमेज बना रहा है फाइव टाइम्स, रियल इमेज बना रहा है फाइव टाइम्स। ओके आसानी है, एक तो मेरे पास क्या है कन्वेक्स लेंस दे रखा है, दूसरा कनकेव के साथ में रखा हुआ, ऐसे साथ में कनकेव रखा हुआ, हमने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पढ़ा था ना बच्चा, वही फंडे पे हमने करना है इसमें। अच्छा जी, और कनकेव लेंस की फोकल लेंथ दे रखी है 25, इसकी लेंस की दे रखी है फोकल लेंथ 25, इसकी शायद निकालनी है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट को रख दिया है हम लोगों ने 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर की दूरी पे हमने क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया। अब बोल रहा है कि इमेज, रियल इमेज बन रही है, कैसी बन रही है, रियल इमेज बन रही है और फाइव टाइम्स बन रही है। रियल किधर बनेगी, इस साइड बनेगी, राइट साइड में, राइट साइड में बन रही है रियल इमेज और फाइव टाइम्स है, तो मुझे पता है कोई यू तो इधर है और वी, मतलब यू तो लेफ्ट साइड में और वी राइट साइड में है, तो साइन डिफरेंट होंगे बच्चा मेरे पास, तो एम की वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव आएगी क्योंकि यू और वी के साइन डिफरेंट है। एम का फॉर्मूला क्या था मेरे पास, वी बाई यू, और वी और यू के साइन डिफरेंट है मेरे पास, तो मैं एम को क्या ले लू, माइनस फाइव ले लू, माइनस फाइव इज इक्वल टू वी बाई यू लिख दिया मैंने, ठीक है भाई, यहां तक कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा अब और क्या बोला, रियल रखा है, इसकी फोकल लेंथ 25 दे रखी है, चलो तो इससे मेरा क्या आएगा, v इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस फाइव यू, और u आपको दे रखा है, u आपको दे रखा है, तो u तो माइनस 20 पुट कर दो उसमें, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 20 पुट कर दिया तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 आ जाएगी, u पता लग गया आपको माइनस 20, v पता है आपको क्या 100, तो मैं क्या लगा दूं, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ इक्विवेलेंट, 1 बाई एफ इक्विवेलेंट, इन दोनों की जो एफ इक्विवेलेंट है वो मैं लगा रहा हूँ कॉम्बिनेशन का, तो v तो मेरे पास क्या है 100, 1 बाई 100 माइनस 1 बाई 20 इज इक्वल टू 1 बाई एफ इक्विवेलेंट, तो ये क्या बन जाएगा, 1 बाई 100 प्लस 1 बाई 20 इज इक्वल टू 1 बाई एफ इक्विवेलेंट, ठीक है, तो कितना बनेगा ये मेरे पास, अगर 2000 एलसीएम ले लूं मैं इसका, 2000 एलसीएम आ गया, यहाँ पे 120 आ जाएगा, एक जीरो ने मार दिया, ये आ गया 6, ये आ गया 100, ये आ गया 3, ये 50, तो 1 by f equivalent जो आ गया मेरे पास वो आ गया 3/50। अब हम जानते हैं दो लेंस का कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला जो फोकल लेंथ का होता है वो होता है 1 by f equivalent is equal to 1 by f1 plus 1 by f2, 1 by f equivalent क्या कितनी है 3/50, 1 by f1 तो हमें निकालना है और वो कितना है, उसकी वैल्यू 25 दे रखी है ना हमारे को, 25 थी कितनी थी याद नहीं आ रहा, वो 25, हाँ तो नेगेटिव कनकेव है तो नेगेटिव आएगी, तो माइनस 1/25, तो इधर चला जाएगा तो बन जाएगा 3/50 प्लस 1/25 इज इक्वल टू 1 बाई एफ, एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, 50 ले लूं एलसीएम के, 50 ले लिया मैंने इसका एलसीएम, तो इधर बन जाएगा 3, इधर बन जाएगा 2, तो 1 बाई एफ, तो 5/50 बच गया मेरे पास इज इक्वल टू 1 बाई एफ, तो एफ की वैल्यू 10 आ रही है मेरे पास, तो एफ 10 आ गया मेरे पास, और पूछा क्या उन्होंने, फोकल लेंथ ही पूछी है ना, पावर ही पूछी है, तो पावर तो क्या होती है 1 बाई एफ,
लेकिन एफ पुट करनी होती है किसमें, मीटर में, तो इसको मीटर में पुट कर दो, पावर जो है 10 सेंटीमीटर है ना, तो 0.1 बन जाएगा मेरे पास, ठीक है जी, तो 0.1 बन गया, तो ये बन जाएगा 10, तो पावर आ जाएगी 10 डायोप्टर, यूनिट क्या होता है इसका, डायोप्टर। बच्चा समझ में आ गया या रिपीट करूं? ठीक है, आसान था, मतलब देखो इससे ना पता लगा लो कि देखो रियल है इरेक्ट है, उनसे पता लग जाता है आपको कि एम का साइन पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, ठीक है जी, तो वो बेसिक फंडे और कुछ भी नहीं है इसमें। ये कौन ड्राइंग बना रहा है यार, मैं दो लगाने कान पे। चलो नेक्स्ट करते हैं बच्चा, 50 हो गया, उसके बाद करते हैं 51। में बच्चा फाइंड द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ लेंस, ये तो आसान है भाई, चलो कोई बात नहीं। फोकल लेंथ निकालनी है और नेचर ऑफ लेंस निकालना है विद कॉन्टैक्ट विद फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, पावर बन जाए। अच्छा एक लेंस है मेरे पास जिसकी फोकल लेंथ दे रखी है 10, उसके साथ में मैं दूसरा लेंस कैसे रखूं, मतलब कौन सा रखूं या कैसे रखूं, जो यू शेप मेरे को पता नहीं, ये या ये, ताकि जो इक्विवेलेंट पावर जो आ जाए मेरे पास वो क्या आ जाए, कितना दे रखा है उन्होंने, 5 डायोप्टर दे दी, ठीक है। तो मैं जानता हूं देखो, अगर मान लो इसकी पावर P1 है, इसकी पावर P2 है, तो पावर नेट जो आता है बच्चा वो मेरे पास क्या आता था, P1 प्लस P2 आता है मेरे पास, मानते बच्चा इस चीज को, ठीक है। अब इसकी पावर मुझे पता है, इसकी पावर मैं निकाल लूं, P2 की पावर क्या आएगी, 1 by 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 1 by 0.1 आ गया, तो वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 10 आ गई, तो P2 की वैल्यू तो प्लस 10 है मेरे पास, क्योंकि इसकी एफ पॉजिटिव होती है, और ये पावर नेट दे रखा है मुझे 5, तो इसका मतलब P1 की वैल्यू क्या, एक्स मान ले हम लोग, तो एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -5 आएगी, तो पावर दे रखी है आपको -5, पावर की वैल्यू क्या होती है, 1 by f, तो इसे 100 by f कर लो, या फिर वो एक सिंपल सी बात है, तो इससे मेरा आंसर जो आएगा वो आ जाएगा -20 आएगा मेरे हिसाब से, फोकल लेंथ जो आ रही है वो -20 आ रही है, क्योंकि पावर नेगेटिव तो फोकल लेंथ अपने आप वो आएगी। f को पुट करते हैं मीटर में, ध्यान रखना, तो 100 by f कर लो या जैसे मर्जी कर लो, ठीक है बच्चा समझ में आ गया, कैलकुलेशन एरर था, कोई बात नहीं। हाँ जी योगिता जी, कोई डाउट है आपको, आप लेट आए हो, इन्होंने जो डाउट पूछे बता देता हूं मैं आपको, वो तो रिकॉर्ड हो ही गए हैं, आपको कोई डाउट है तो बता दो, इन्होंने डाउट पूछे हैं वो ये लिखे हुए हैं। इन्होंने पूछा है 43rd, 46, 47, 50 और 51, इनके अलावा आप कोई डाउट पूछ सकते हैं योगिता जी, एक मिनट दे रहा हूं। योगिता गायब हो ही गया, हो गए कवर, रिकॉर्डिंग देख लूंगी, ओके ओके ठीक है बच्चा। चलो अब बच्चा हम टॉपिक वापस आ जाते हैं, ठीक है जी। तुमने प्रिज्म का एक भी सवाल नहीं पूछा, सारे सवाल हो गए प्रिज्म के, कमाल करते हो तुम बस।
चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। हम बच्चा बात कर रहे थे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, बात कर रहे थे किसकी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की थ्योरी लिखवानी बाकी थी, बाकी मैंने लिखवा दिया, समझा तो मैंने सारा दिया था आप लोगों को, सिर्फ थ्योरी लिखवानी बाकी थी। तो अगर क्वेश्चन आता है आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कि राइट अ शॉर्ट नोट या पूरा डिस्क्राइब करो, तो वो कैसे लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ बच्चा, ठीक है। तो सुनो, सबसे पहले तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के फॉर्मूले में याद होने चाहिए, ठीक है जी, रिवाइज करा रहा हूँ, भूल के हो गए शायद, कल क्लास लगी नहीं अपनी। देखो दो चीजें, एम का फॉर्मूला क्या था मेरे पास, एम का फॉर्मूला था एमओ इंटू एम ई, एमओ का फॉर्मूला था मेरे पास क्या, वी नॉट बाय यू नॉट विद अ नेगेटिव साइन। एम ई के दो फॉर्मूले थे मेरे पास, एक तो डी बाय एफ ई और एक वन प्लस डी बाय एफ ई। डी बाय एफ ई कब था बच्चा और वन प्लस डी बाय एफ ई कब था, जब इमेज बने मेरे पास, बताओ मुझे डी बाई एफ ई कब आएगा, डी बाई इंफिनिटी पे और वन प्लस डी बाई एफ ई डी पे, और इमेज बने कहां पे, डी पे, ये हमने पढ़ लिया था। एक चीज हम थोड़ा बेशर्मी वाला फॉर्मूला क्या था, बेशर्मी जो हम कर रहे थे, बेशर्मी में हम क्या कर रहे थे, वी नॉट को लिख रहे थे हम लोग क्या, ट्यूब लेंथ लिख रहे थे, और यू नॉट को हम क्या लिख रहे थे बच्चा, एफ ओ लिख रहे थे। इतने फॉर्मूले आपको याद हैं तो बस आपका कोई भी सवाल गलत होने वाला नहीं है, ठीक है जी, कंपाउंड में तो गलत होने वाला नहीं है। और ट्यूब लेंथ की जो एग्जैक्ट ट्यूब लेंथ जो है उसका एग्जैक्ट फॉर्मूला जो है ना, वो था मेरा वी नॉट प्लस यूई, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है। कई बार वो एग्जैक्ट पूछे, कई बार बेशर्मी कराएगा, तो इतना ज्ञान होना चाहिए आप। गुड, शाबाश। तो ये तो हो गया अपना न्यूमेरिकल पोर्शन। फॉर्चुनेटली क्या है, आजकल जितने भी सवाल आ रहे हैं ना, मतलब दो तीन साल से मैं देख रहा हूं, जो भी सवाल आए हैं आता पांच नंबर का है, लेकिन आता क्या है, या तो रेडर बनवा लेगा आपसे या सवाल देगा, थ्योरी भी नहीं पूछता आजकल, वो समझदार हो गया वो लोग, आजकल थ्योरी नहीं पूछते वो, ठीक है। बट फिर भी थ्योरी लिखनी कैसे, अगर आ जाए तो किस वे में, मेन मेन बुलेट्स जो पॉइंट है बेसिकली मैं बता दूंगा आपको कैसे लिखना है, किस ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है बच्चा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब थ्योरेटिकल अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे अटेम्प्ट करना है बता रहा हूं मैं। सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डिफाइन करेंगे, ये करता क्या है, फिर इसकी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। तो सबसे पहले आप लिखोगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज अ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये पांच नंबर का पक्का आता भाई, या तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप, सिंपल पे सवाल नहीं आता, ठीक है, आएगा तो कंपाउंड पे या टेलीस्कोप पे आएगा। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, कौन क्या लिख रहा है भाई चैट बॉक्स में, अच्छा कब पता लगेगा कि बेशर्मी करनी है या वो करना है, ठीक है जी। सुनो देखो बच्चा, सुनो अब जो बेशर्मी वाला फॉर्मूला मैंने कर दिया, गड़बड़ कर दिया मैंने, क्लियर करता हूँ। देख बच्चा सुन, M जो है मेरे पास वो है, अगर मैं बात करूं इसको मैं लिख दूंगा L, इसे लिख दूंगा मैं एफ ओ इंटू वन प्लस डी बाई एफ। एम का फॉर्मूला बन जाएगा ये L वाला, ठीक है जी। अगर मैं बेशर्मी करूं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, V नॉट को कर दूंगा मैं L। M का सिर्फ ये मैग्नीट्यूड है, साइन नहीं बता रहा मैं इसमें, ये M का मैग्नीट्यूड है। मुझे पता है कंपाउंड जो है हमेशा पुट्ठी में बनाता था, नेगेटिव ही आएगा, तो मैं सिर्फ बात कर रहा हूं मैग्नीट्यूड की। तो अगर आपको एफ ओ एफ ई दे रखा है और एल दे रखा है,
और आपसे पूछ रहे हैं कि मैग्निफिकेशन बताओ, ठीक है जी, तो आप क्या करोगे, बेशर्मी वाला फॉर्मूला, आपको यू वी नहीं दे रखे ना भाई, यू नॉट नहीं दे रखा आपको, अगर यू नॉट नहीं गिवन है आपको और फोकल लेंथ गिवन है, एफ और एफ ही दे रखे हैं आपको, तो आपको ये बेशर्मी वाला फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा एम के लिए। बात समझ में आई? अगर यू नॉट नहीं दे रखा सवाल में और एफ और एफ ही दे रखे हैं आपको, ठीक है जी, तो बेशर्मी वाला ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप सवाल से यू वी नॉट और यू ई निकाल सकते हो, देखो वी तो पता लग जाएगा आपको, सॉरी यू ई तो पता लग जाएगा कि इमेज कहाँ बनानी है। देखो यू ई डिफाइन कैसे करेंगे, इमेज बनानी है मान लो इन्फिनिटी पे, तो यू ई क्या होगा आपका, एफ होगा, और अगर मान लो डी पे बनाने तो आप निकाल लोगे उसको, तो यू ई तो फिक्स्ड है। अगर आप वी नॉट निकाल सकते हो, ठीक है जी, सवाल के अंदर, तब तो एग्जैक्ट यूज करो, और वी नॉट नहीं निकाल सकते हो तो बेशर। is an optical instrument used for observing highly magnified images of tiny objects। एक तो ये डेफिनेशन लिखना फटाफट की, बहुत हाईली मैग्निफाइड इमेज बनाता है किसकी, टाइनी ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या लिखोगे आप, कंस्ट्रक्शन लिखोगे। कंस्ट्रक्शन में पूरी गाथा नहीं गानी, जो जो हम उसमें कर रहे हैं बस वही लिखना है, ठीक है जी। पॉइंट फॉर्म में लिखो ज्यादा बेटर रहेगा। तो उसमें आप लिख देना कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ, मैं लिख रहा हूँ सीएम लिख रहा हूँ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ टू कन्वर्जिंग लेंस ठीक है जी। उनमें एक तो बोलेंगे वन इज ऑब्जेक्टिव लेंस, कौन क्या लिख रहा है चैट बॉक्स में, कल के लास्ट सेकंड में क्वेश्चन वी नॉट निकाल सकते थे लेकिन आपने बेशर्मी से सॉल्व किया। मुझे कल का लास्ट क्वेश्चन याद नहीं है बच्चा, मैं चेक कर दूंगा, बता दूंगा तेरे को मैं, ठीक है। मैं मुझे याद नहीं है लास्ट वाला क्वेश्चन, मैं पक्का बता दूंगा आपको, ठीक है, चेक कर दूंगा, बता दूंगा 100%। तो इसमें क्या है, दो लेंस होंगे ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है जी। इसमें ब्रैकेट में लिखोगे नियर टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑफ वेरी स्मॉल फोकल लेंथ। अब ये फोकल लेंथ स्मॉल क्यों बोल रहे हैं, बताया था मैंने आपको, याद है फोकल लेंथ स्मॉल, कारण क्या था इसका, फॉर्मूले में देखो, एम के फॉर्मूले में एफ ओ और एफ ई दोनों कहां आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं मैग्निफिकेशन में, एफ ओ और एफ ई, तो एफ ओ एफ ई कम होंगे मेरे पास, तभी तो मैग्निफिकेशन ज्यादा आएगा मेरे पास। हाँ जी, गुड, शाबाश, वेरी स्मॉल फोकल लेंथ एंड शॉर्ट अपर्चर। इसमें जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो छोटा होता है किससे, आईपीस से, ठीक है बच्चा। एंड दूसरा क्या यूज करते हैं हम, आईपीस, आईपीस ऑफ मॉडरेट फोकल लेंथ, एंड लार्ज अपर्चर। उसके मुकाबले इसका अपर्चर बड़ा होगा, ठीक है। अब इसमें लिखोगे टू, दीज टू लेंसेस are held coaxially
मतलब क्या है, इनकी सेम एक्सिस होगी मेरे पास, ठीक है, एट द फ्री एंड ऑफ ट्यूब, एट अ सुटेबल डिस्टेंस from each other. अब इसमें एक लाइन और लिखनी है बस, सिंपल, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट कैन बी एडजस्टेड. ठीक है जी, अब ये तो सी कंस्ट्रक्शन होगी. इस कंस्ट्रक्शन में क्या क्या बताया कि इसके अंदर दो कन्वर्जिंग लेंस हैं, एक का नाम क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है जी, जो ऑब्जेक्ट के नियर है, उसकी फोकल लेंथ बहुत छोटी है और अपर्चर भी बहुत छोटा है, और आई पीस जो है उसकी फोकल लेंथ मॉडरेट है और अपर्चर लार्ज है. इन दोनों लेंस को कोएक्सियली हम प्लेस करते हैं किस पे, फ्री एंड ऑफ ट्यूब पे, एट अ सुटेबल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, और ऑब्जेक्टिव लेंस और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम एडजस्ट कर सकते हैं आगे पीछे. ठीक है जी, इतनी सी बात ये कंस्ट्रक्शन में लिख दोगे. ठीक है जी, जो हमने देखा था वही उसको अपने शब्दों में हमने लिख दिया. तो सीबीएसई में लैंग्वेज मैटर नहीं करती, कंटेंट पूरा होना चाहिए. ठीक है जी, बट लेकिन बुलेट्स पता होना चाहिए, पहले डेफिनेशन आएगी फिर कंस्ट्रक्शन आएगा इसका. ठीक है, फिर इसका क्या आएगा, रे डायग्राम. क्या आएगा, रे डायग्राम, फिर मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन, फिर उसका वर्किंग आएगा. अब इसका रे डायग्राम बनाना बच्चा. तो रे डायग्राम कैसे बनाएंगे, बना देता हूं मैं आपको. मेरा ड्राइंग तो माशाल्लाह है बट स्टिल बनाने की कोशिश करता हूं. इसको लेबल करोगे आई पीस, इसे ऑब्जेक्टिव लेबल करोगे, ठीक है, और ये क्या है मेरे पास, ट्यूब लेंथ, इसका फोकल लेंथ क्या होगा बच्चा, एफ ओ, इसका फोकल लेंथ क्या होगा, एफ ई. अब हम ऑब्जेक्ट रखेंगे कहां पे, ये मेरे पास इसका एफ ओ दिखा देना, और ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे, एफ ओ से बियॉन्ड रखते हैं हम लोग. तो हम एक रे बनाएंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो कन्वर्ज होगी मेरे पास ऐसे कहीं, ठीक है. दूसरी रे हम पास करेंगे किससे, ऑप्टिकल सेंटर से, वो यहां कहीं मीट करेगी बच्चा, मीट करा दो उसको, ठीक है जी. तो ये जो बनेगा, ये इंटरमीडिएट इमेज बनेगी मेरे पास, ये इंटरमीडिएट इमेज बन जाएगी. ये दूरी जो होगी बच्चा वो क्या कहलाएगी मेरे पास, वी नॉट कहलाएगी. ये दूरी क्या कहलाएगी, यू नॉट कहलाएगी. ये इंटरमीडिएट, और हमें इस तरह से एडजस्ट करना है कि इसका जो एफ ई है, ये इमेज एफ ई और पोल के बीच में आए. अब यहां से फिर हम क्या करेंगे बच्चा, रे डालेंगे ऐसे इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई, और इसकी इमेज कहीं बनाएंगे हम ऐसे, एक रे पैरेलल डाल देंगे, कन्वर्ज होगी तो ऐसे कहीं मेरे पास इसकी इमेज बनेगी. यहाँ ये फाइनल इमेज, ये इंटरमीडिएट इमेज. और ये मेरे पास क्या है, फाइनल इमेज, ठीक है. ये डिस्टेंस कहलाएगा मेरे पास क्या, यूई, और ये डिस्टेंस कहलाएगा मेरे पास बीई.
क्या ये डायग्राम बना है, तो सिंपल सा डायग्राम है, बन जाएगा डायग्राम ये। और यहाँ पे आंख दिखा देना, ठीक है। तो ये हो गया रे डायग्राम, पहले डेफिनेशन आएगी, फिर कंस्ट्रक्शन आएगी, फिर रे डायग्राम आएगा, उसमें सब लेबल कर दो जो आप जानते हो, ठीक है। चलो, उसके बाद आपको डिफाइन करनी है मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन, मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन फिर वर्किंग करनी, क्योंकि हमारा मेन एम क्या है, मैग्निफिकेशन है। तो मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन लिखवा देता हूं मैं आपको, इसको डिफाइन करेंगे हम कैसे, रेशियो, रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द फाइनल इमेज चाहो तो अपने शब्दों में लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन बोथ the final image and object are situated at least distance of distinct vision। याद है एम का फॉर्मूला मेरे पास जो था वो एम ओ इंटू एम ई था, लेकिन जो डेफिनेशन आपको ये लिखनी है ये लिखना कि रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय आई एट आई बाय द फाइनल इमेज टू एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन बोथ फाइनल इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर सिचुएटेड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। समझाऊं डेफिनेशन या क्लियर है, थोड़ी सी डिफरेंट है अपनी जो पढ़ी है उससे, ये किताबी डेफिनेशन है। हाँ जी बोलो सब लोग, बोलो भाई टेक्स्ट करने हैं, एक ही बच्चा बोल रहा है बस। थ्योरेटिकल तो याद करनी ही छोड़ देते हैं। चलो ठीक है भाई, नहीं पता सुनो भाई एक चीज जो है फंडा कर लो याद, बता देता हूँ सुनने के लिए। मैं ना चीजें रटवाना चाहता हूँ, सिंपल सी बात है, एक्चुअल में ना हमने किया अलग तरीके से है, लेकिन पता क्या सुनो, अगर मान लो ये छोटा सा ऑब्जेक्ट है, इतू सा ऑब्जेक्ट है, ये कहाँ रखा हुआ है, डी पे कहाँ रखा हुआ है, डी पे, और ये मेरा आंख है, तो इतू सा ऑब्जेक्ट जो एंगल बना रहा है ये वाला एंगल, ठीक है। अब मान लो इमेज तो बड़ी बनेगी ना, अब इमेज बन रही है, जैसे इमेज बना रहा हूं, वो बनानी कहां पे मेरे को, डी पे बनानी है इमेज तो, ठीक है, लेकिन बड़ी बनानी है, बड़ी बनेगी ना इमेज, तो ये तो ऑब्जेक्ट है। अब मान लो इमेज भी डी पे बन रही है, ये जो एंगल है ये थीटा नॉट मान लो और ये थीटा मान लो, तो इसके अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन एक्चुअली है क्या, कि बिना, देखो बिना इंस्ट्रूमेंट के ऑब्जेक्ट रखो डी पे, उसने जो एंगल बनाया वो थीटा, और हमने इंस्ट्रूमेंट लगा के इमेज बनाई, क्या बनाई, इमेज बनाई कहां पे, डी पे। अब इन दोनों का जो रेशियो है
थीटा नॉट बाय थीटा, ये होगा मेरे पास मैग्निफिकेशन। तो इसने ये चीज लिखी है, आई होप अब तो क्लियर होगा भाई, रटने की जरूरत तो नहीं है। ऑब्जेक्ट को रखो कहां पे, डी डिस्टेंस पे बिना इंस्ट्रूमेंट के, कितना एंगल बनाया थीटा। फिर हम ऑब्जेक्ट इंस्ट्रूमेंट से इमेज बना रहे हैं कहां पे, डी पे, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट यूज करके। अब जो एंगल बना रहा है वो थीटा नॉट, तो इन दोनों का जो रेशियो है बच्चा वो मेरा मैग्निफिकेशन कहलाएगा। चलो मैग जी आ गया यार, चलो करते हैं, ये डेफिनेशन लिख देना मैग्निफिकेशन की, ठीक है बच्चा। अब फिर वो कार्यक्रम जो मैंने आपको सिखाया था ना, देखो अब अपने को क्या करना है, वर्किंग लिखनी है, क्या लिखनी है, वर्किंग लिखनी है। तो वर्किंग में आप क्या लिखोगे, नेक्स्ट स्टेप जो आएगा बच्चा वो आएगी आपकी वर्किंग, कि वर्क कैसे करता है। तो आपको उसको दो हिस्सों में बांटना है, दो हिस्सों में बांटना है। आप एम लिखोगे, एम टोटल जो होगा वो क्या होगा, एम ओ इंटू एम ई, ठीक है जी। पहले तो ये लिखोगे आप कि टोटल मैग्निफिकेशन क्या आएगा मेरे पास, ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन इंटू आई पीस का मैग्निफिकेशन। तो आप लिखोगे पहले क्या, पहले चर्चा करते हैं किसकी, एम ओ की, फर्स्ट अबाउट ऑब्जेक्टिव लेंस। थोड़ी गाथा गा देना, उसमें कुछ नहीं है, कि ऑब्जेक्टिव लेंस ने, ऑब्जेक्ट कहां रखा था हम लोगों ने, एफ और टू एफ के बीच में, ये गाथा गानी पड़ेगी, ऑब्जेक्ट कहां रखा एफ और टू एफ के बीच में, तो उसने इमेज कहां बनाई थी बच्चा, बियॉन्ड टू एफ, कहां बनाई थी, बियॉन्ड टू एफ। तो थोड़ा नेचर लिख देना कि ऑब्जेक्ट प्लेस किया था हम लोगों ने कहां पे, बिटवीन एफ एंड टू एफ, और इमेज जो बनी थी वो बनी थी मेरे पास बियॉन्ड टू एफ। इमेज जो थी वो कैसी थी बच्चा, वो रियल थी, एनलार्ज थी। एनलार्ज क्यों है बच्चा, क्योंकि v बड़ा है किससे, ये लिख देना, एज v इज ग्रेटर देन u, इसीलिए एनलार्ज है मेरे पास। और मेरे पास कैसी है, इन्वर्टेड है, कैसी है, इन्वर्टेड। जो बताया था मैंने वो सारा चीज आपको अपने शब्दों में लिखनी है, इन्वर्टेड। और यहां पे मुझे पता इन्वर्टेड है, तो m की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, v नॉट बाय यू नॉट। फॉर्मूला लिख देना कि m का फॉर्मूला होता है v बाय u, और यहां पे v की वैल्यू क्या है, v नॉट है, और u की वैल्यू क्या है, u नॉट। तो यहां पे ये आ गया, और मैं नेगेटिव साइन लगा रहा हूं, क्यों, क्यों नेगेटिव साइन, इसलिए क्योंकि इन्वर्टेड है। इसलिए ये गाथा लिख दोगे भाई फर्स्ट लेंस के बारे में, जो मैंने बताया था उस हिसाब से लिख देना, नंबर कटने का कोई चांस नहीं है। लेकिन छोड़ना मत कि ऑब्जेक्ट कहां प्लेस किया, इमेज कहां बनी, इमेज का नेचर कैसा है, ये सारा चर्चा हमें करनी पड़ेगी, ठीक है जी। अब उसके बाद बात करें किसकी, हम लोग एम ई की बात करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आई पीस। तो आई पीस में हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट जो प्लेस करते हैं, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड एफ ई। ऑब्जेक्ट कहां प्लेस करते हैं, पोल और एफ ई के बीच में प्लेस करते हैं, और इमेज जो बनती है मेरे पास वो बनेगी, कैसी बनेगी मेरे पास, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, ओवरऑल पुट्ठी बनेगी, लेकिन ये तो इरेक्ट ही बनाता है, और एनलार्ज बनेगी, ठीक है बच्चा। ये इसका नेचर लिख पाओगे,
और इसके अंदर एम ई के दो फॉर्मूले बनेंगे मेरे पास. एक तो क्या बनेगा, डी बाई एफ ई व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, और वन प्लस डी बाई एफ ई when image is formed at d, yani least distance of distinct vision. Itni baat likh doge, fir likhna m total ki bari. m total jo aayega bachcha mere paas wo kya aayega, mo into me. mo ki value bhari humne minus v by u, me ki value bhar denge d by fe. ek to ye, dusra माइनस वी नॉट बाई यू नॉट इंटू वन प्लस डी बाई एफ. ठीक है बच्चा, यहां तक कोई तकलीफ किसी बालक को? ठीक है. अब इसके लिखने के बाद फिर वो हमारा ट्यूब लेंथ वाला फंडा, फिर ट्यूब लेंथ डिफाइन कर देना कि ट्यूब लेंथ क्या होती है मेरे पास. ठीक है, अब उसका डिफाइन क्या करना है, दूसरे क्लास के बच्चे आने लगे, मुझे डिफाइन क्या करना है कि ट्यूब लेंथ डिफाइन कर देना कि ट्यूब लेंथ जो होती है वो होती है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस. इसको लिखते किससे हम लोग, एल से लिखते हैं. एग्जैक्ट फॉर्मूला जो आता है वो आएगा मेरे पास क्या, V नॉट प्लस यू ई. ठीक है जी, अप्रोक्सीमेटली L की वैल्यू जो आएगी मेरे पास वो आएगी V नॉट. ठीक है जी, ये बेशर्मी वाला फंडा. फिर क्या करना, अजम्पशन लिख के, अजम्पशन क्या लिखोगे, इमेज is formed by objective close to pole of eyepiece. ये तो एक मेरा assumption है, इससे V naught की value approximately L. दूसरा assumption क्या लिखोगे, कि object is close टू फोकल फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस. तो इसका मतलब क्या है, यू नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ ओ. उसके बाद बस हमें ये पुट करना है इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर, एम के अंदर, कि एम का फॉर्मूला था मेरे पास माइनस वी नॉट बाई यू नॉट इंटू वन प्लस डी बाई एफ ई. After these assumptions, V naught की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, L, और U naught की वैल्यू क्या आ जाएगी, FO. ये शो करने के बाद शो करना कि मैग्निफिकेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू FO, मैग्निफिकेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू FE. दैट्स व्हाई FO एंड FE आर केप्ट वेरी स्मॉल. ठीक है बच्चा, यहां तक कोई तकलीफ किसी बालक को? इतना कर दोगे पांच नंबर मिल जाएंगे भाई साहब, पर मुझे पता ही आने वाला नहीं है. ठीक है, आएगा सवाल ही आएगा, 100% सवाल आएगा. अब तुम्हें कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे कोई भी सवाल आए तुम कर सकते हो, कोई भी आए कर पाओगे तुम 100%. ठीक है, अब कल से टाइम हमारा 9:30 बजे है बच्चा. ठीक है, 9:30 से 11 होगा टाइम. ठीक है, कल से टाइम बढ़ा रहा हूं मैं, 9:30 से 11 आपका टाइम होगा. एक घंटा पढ़ाऊंगा और आधा घंटा प्रॉब्लम्स करेंगे. ठीक है, डेली मैं खुद ही प्रॉब्लम ले आऊंगा और खुद ही तुम्हें प्रॉब्लम्स करा दूंगा मैं. ठीक है, और महक में आपका क्वेश्चन देख लूंगा और बता दूंगा मैं आपको. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चा, मिलते हैं अगली बार. केमिस्ट्री का टाइम चेंज हो जाएगा आपका, केमिस्ट्री का मुझे नहीं पता, मैं 9:30 पे मेरा होगा, 9:30 to 11.
चलो बाय बाय।